मेरी प्रार्थना आदरणीय सेतु साहब से कि दो अपने सेनायक मंडल से प्रार्थना इस काफिले को देखें और फर्स्ट सेकेंड थर्ड निकालने का कष्ट करें। ये बच्चियां गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिरोजपुर सरकार की हैं, कदम से कदम मिलाते हुए ये आगे बढ़ रही हैं और इसके तुरंत बाद गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल सलामी देते हुए आगे बढ़ रहा है। और ये दाएं ने देखी आवाज और धीरे इसके तुरंत बाद सफेद यूनिफॉर्म में ही जैन पब्लिक स्कूल और जैन पब्लिक स्कूल के बाद मेवात मॉडल स्कूल के बच्चे आगे कदम से कदम मिलाते हुए मंच के सामने से गुजर रहे हैं। सभी लीडरान सलामी के लिए और आगे के सामने आगे बढ़ते हुए भाई ताली बजाओ जोर से। इसके बाद सरस्वती विद्या मंदिर के बच्चे आगे चल रहे हैं। इसके बाद सर्वोदय मिडिल स्कूल के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं मंच के आगे से गुजरते हुए। और अब बारी है हरियाणा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कदम से कदम हाथों से हाथ मिलाते हुए टुकड़ियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं। और हरियाणा पब्लिक स्कूल के बाद भारतीय विद्या निकेतन के बच्चे आगे बढ़ गए हैं और सबको पीछे छोड़ते हुए श्री दयानंद वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बच्चे ये दयानंद के सैनिक आगे बढ़ रहे हैं मन से गुजर रहे हैं। धीरे धीरे वहां पहुंच जाएंगे, ये अपना कर्तव्य दिखाना प्रारंभ कर देंगे। शासन या प्रजासत्ता, भीमराव अम्बेडकर जी को हमारे संविधान का निर्माता कहा जाता है और उन्हें लगभग इसे तैयार करने में, इसके ड्राफ्ट को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। और ये संविधान किसी भी गणतांत्रिक देश के संविधान के किसी भी लिखित संविधान में सबसे लंबा लिखित संविधान है। इस संविधान में सरकार के अधिकार और उसके कर्तव्य, साथ ही साथ जनता के अधिकार और उनके कर्तव्यों का स्पष्ट तौर पर विवरण कर रखा है। समानता, स्वतंत्रता और संवैधानिक औपचारिकताओं की जो मदद मिल सकती है उसमें इसका विवरण किया गया है। और यदि मैं इस संविधान के उद्देश्य की बात करूं तो इस उद्देश्य को मैं अपने देश के तीनों रंग के तिरंगे में साफ तौर पर देख सकता हूं। सबसे ऊपर रंग जो केसरिया का है वो शक्ति और प्रकाश का प्रतीक है।